जय हिंद गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू अजनी करियर एकेडमी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एफसीआई का जो पेपर सेकंड है यानी कि फेज टू है, इसकी एग्ज़ाम कब होगी, उसके बाद जो प्रीलिम की एग्ज़ाम हुई है कैटेगरी थ्री के लिए, तो उसका प्रीलिम का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, हम ज़्यादा टाइम पास न करते हुए आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि देखिए कि जो एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आई है। उस नोटिस के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आपका जो प्रीलिम का जो रिजल्ट है यानी कि कैटेगरी थर्ड के लिए प्रीलिम का जो रिजल्ट है वो अभी 28 फरवरी 2023 को आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। यानी कि संभावना नहीं, टेंटेटिवली उन्होंने डेट डिक्लेयर की है कि 28 फरवरी 2020 को वो प्रीलिम का रिजल्ट, उसके साथ ही एज वेल एज कॉल लेटर फॉर द फेज टू, यानी कि फेज टू के लिए भी वो कॉल लेटर जारी करेंगे। आपको एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दी है जो फेज सेकंड होगी, उस फेज सेकंड के लिए एग्ज़ाम कब होगी। तो उन्होंने डेट दी है 5 मार्च 2023, यानी 5 मार्च 2023 को आपकी क्या होगी, फेज टू की एग्ज़ाम हो जाएगी। इस तरह से आपको अब ज़्यादा देर नहीं होगी रिजल्ट के लिए, यानी कि आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज की डेट आपको सभी को मालूम है कि आज की डेट क्या है। तो आज की डेट है 25 फरवरी, अभी दो दिन में यानी कि 28 फरवरी को क्या होगा, आपका प्रीलिम का रिजल्ट आएगा। और उसके बाद लगभग 5 दिन के अंदर ही आपको मेंस के लिए यानी कि फेज सेकंड के लिए अपीयर होना पड़ेगा। तो अभी सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस चैनल को नए हो, ऐसी इंफॉर्मेशन टाइम पर लेना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।